खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। सुबह के 8:35 हुआ चाहती है, आपका मेजबान इश्फाक और हजर खिदमत है। सुबह सुबह मॉर्निंग ट्रांसमिशन लेकर आपके सामने आते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें, हर उस खबर से बाखबर करें जिसको आप जानना चाहते हैं, जिसको लेकर आप तजिया तबसरा करते हैं, जिसे आप सोशल मीडिया पर ट्रॉल करते हैं या सोशल मीडिया पर देख चुके होते हैं। हम खबर तह तक लेकर इस प्रोग्राम में आप तक आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जिस मोहब्बत और प्यार के साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं पिछले कई सालों से, वो प्यार और वो मोहब्बत लगातार जारी रहेगा। और आज भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistan.in पर, जहाँ पर खबरें भी आप पढ़ेंगे, देखेंगे और साथ साथ अपना तजिया तबसरा अगर आप करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट के जरिए से आप हमारे साथ रबते में रह सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आज आखिरी 5 से 8 मिनट आपके लिए वक्त रखे जाए, कुछ फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम किया जाए ताकि आपकी आवाज़ हुकूमत तक भी पहुँचे। इस कोशिश के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़, और याद रखिएगा चूँकि आज 24 तारीख है तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि 24 तारीख को माजी में क्या कुछ हुआ है। अहम तरीन वाक़ात में से भी चंद वाक़ात इस कम तरीन वक्त में आपके सामने रखेंगे। मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टेडियम में मौजूद हैं। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे, बताएंगे कि आज 24 तारीख को कौन से अहम वाकयात हिंदुस्तान और आलमी सतह पर हुए हैं। सबसे पहले कुछ डिटेल्स वो आप तक पहुंचाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त आज के दिन की बात है तो 1985 बांग्लादेश में समुद्री तूफान से 10,000 अफराद आज ही के दिन हलाक हुए थे। साल 2000 में बॉलीवुड के मशहूर नगमा निगार और शायर मजरू सुल्तानपुरी का इंतकाल आज ही के दिन हुआ था अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। 2000 में आज ही के दिन 23 बरस कब जनूबी लेबनान पर 22 साल कब्जे के बाद इजरायली फौज का इनखला हुआ। 1922 रूस और इटली के दरमियान तिजारती मुआहिदा आज के दिन तय पाया, दोनों मालिक ने एक तवील मुद्दत के बाद करीब 40 बरसों के बाद तिजारत एक दूसरे के साथ शुरू की। 2001 में नेपाली शहरी शेरपा तिम्बा श्री आज के दिन 15 साल की उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची या बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने में कामयाब रहे, पहले इस तरह के कोई शख्स बने जो 15 साल की उम्र में यहां पहुंचे। 1915 में थॉमस एल्वा एडिसन ने टेली सब्सक्राइब आज के दिन ऐजाद किया, ये वही थॉमस एल्वा एडिसन थे, बल्ब भी बनाया। 2004 में शुमाली कोरिया ने मोबाइल फोन पर पाबंदी आयद कर दी आज के दिन। और 1994 में मीना में हज के दौरान भगदड़ मचने से 250 से जायद हाजी आज के दिन जहां हक हो गए, यह हादसा आज के दिन पेश आया। आगे बढ़ते हैं और हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर चलते हैं, बड़ी खबर इस वक्त खिताए चिनाब से आ रही है जहां पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। एक प्रोजेक्ट साइट पर पकल डुल प्रोजेक्ट जो कि चल रहा है और इसी के साथ मंसलिक बताया जाता है एक करीबी हिस्सा, जहां पर डांग डुरू प्रोजेक्ट इस साइट पर हादसा पेश आया है और अभी तक 4 से 5 लोगों की हलाकत की तस्दीक हो रही है लेकिन ऑफिशियली कंफर्मेशन होना बाकी है। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में बताया जा रहा है कि काफी हलाकतें हुई हैं और क्रूजर तकरीबन ऊपर से गिरकर 1 किलोमीटर नीचे तक आया है, जिसकी जद में कुछ मजदूर आए हैं जो प्रोजेक्ट साइट पर काम में मसरूफ थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने किश्तवाड़ में, जहां पर प्रोजेक्ट साइट पर हादसा पेश आया है और शायद मजीद हलाकतों का खदशा है जो इब्तदाई रिपोर्ट से। पकुल डुल हाइड्रल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम जारी है और खबर इस वक्त सामने आ रही है कि मुलाजमीन से भरी ये जो हादसा हुआ है जी, मुलाजमीन को इसमें अभी तक तकरीबन 5 लोगों के मारे जाने की इत्तलात आ रही है। जेपी कंपनी जिसके साथ एक क्रूजर अटैच था, इसको हादसा पेश आया और हादसे की इब्तदाई खबरों के मुताबिक जो हमें इत्तलात आ रही है वो ये है कि कम से कम अभी तक 5 लोगों को जो है वो मारे गए हैं इसमें इस हादसे में और कई लोग जो है वो जख्मी हैं। अब वहां पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भी जो है वो शुरू कर दिया गया है।
दंगर दूरू, ये पकुलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो किश्तवाड़ के अंदर चल रहा है, वहां से इस वक्त की खबर है। ब्लर इसलिए करना पड़ा है क्योंकि तस्वीरें दिखाने लायक नहीं है, लथपथ खून में, इसलिए थोड़ा सा हमने इनको ब्लर कर दिया है ताकि तमाम तर चीजें जो वो ध्यान में रहे। तमाम ये एक्सीडेंट इस वक्त हुआ है और इस एक्सीडेंट के अंदर अभी तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। जरा मजीद तफसीलात के लिए सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, अजय शान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, आज सुबह सुबह पहली बड़ी खबर जो आ रही है ये किश्तवाड़ से आ रही है, जहां पर अभी तक एक्सीडेंट की इतला आ रही है, क्या कुछ है, पूरी कहा डिटेल है, कहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, किस चीज से एक्सीडेंट हुआ है? हादसा पेश आया है डंगडूरू के जो प्रोसेसर साइट है पकड़ की, वहां पर बताया जा रहा है कि शिफ्ट चेंज करके स्टाफ लेके ये गाड़ी जा रही थी कि ऊपर डंगडूरू से नीचे वहां पर एक स्टील यार्ड बताया जा रहा है जो कि करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा डीप है, वहां पर जाती है गाड़ी जो रोल डाउन होकर पहुंची है और आस पास कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं कि 5 लोगों की वहां पर आस पास मौत हुई है, जबकि ऑफिशियली अभी कोई कंफर्म नहीं किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि हमने 5 सर्च कर दी है, पुलिस मौके पे है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहां पर जारी है, लेकिन जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें मजीद और जानी नुकसान हो सकता है क्योंकि 1 किलोमीटर से ज्यादा जो गाड़ी है रोल डाउन हुई है। ये क्रूजर गाड़ी बताई जा रही है जो की कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ अटैच थी। ये फिलहाल 20 से 25 मिनट पहले ही हादसा पेश आया जो डंगडूरू इलाका है, लेकिन क्या कारण है, किस वजह से हादसा पेश आया ये कह नहीं सकते, लेकिन जैसे हमने देखा कि रात से ही यहाँ पर जोरदार बारिश भी हो रही थी और उस इलाके में अक्सर देखा गया है कि रोड स्लिपरी हो जाती है जैसे ही बारिश होती है, तो क्या कारण है ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बड़ा नुकसान सुबह सुबह किश्तवाड़ के डंगडूरू में देखने को मिला है। जी को अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, आप कह रहे हैं कि ये हादसा हुआ है, अभी 10 से 15 मिनट का ही वक्फा हुआ है जिसमें अभी आपके सोर्स से बता रहे हैं कि 5 से 6 लोगों की मौत हुई है, कुल कितने लोग इस क्रूजर में सवार थे और इनकी क्या अभी तक कोई डिटेल या शिनाख्त आ पा रही है, क्या ये सारे मुलाजमीन थे या कोई आम भी सिविलियन भी कोई इस क्रूजर में था? देखिए, जो वहां से हमें सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि ये स्टाफ के लोग थे, वर्कर्स थे, अप्लाई थे जो अपनी शिफ्ट बदलने के चक्कर में वापस लौट रहे थे। इतने लोग के एग्जैक्ट नंबर सामने नहीं आया क्योंकि प्रोजेक्ट साइट में हमने अक्सर देखा है कि वहां पर वायलेशन होती है, जो परमिटेड स्ट्रेंथ होती है उससे ज्यादा लोग गाड़ियों में बैठे होते हैं, तो इसमें कितने लोग बैठे थे अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं है क्योंकि ऊपर से नीचे गाड़ी आई है, तो इसमें समय लगेगा, लेकिन फिलहाल ये जरूर कंफर्म किया जा रहा है कि 5 के करीब जो है कीमती जाने इस हादसे में गवानी पड़ी है। जी को अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि जनाब जेपी कंपनी जो वहां पर काम कर रही है उनके साथ ये सारे मजदूर मुंसलिक थे, तो क्या ये मकामी लोग थे या गैर रियासती लोग थे जो अभी तक ये जख्मी या मारे गए हैं? देखिए, अभी तक तो ये चीजें क्लियर नहीं है कि डायरेक्टली जो कंपनी के एम्प्लॉइज थे या जो वहां पर ठेकेदार है उनके साथ काम करने वाले वर्कर थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 15 मिनट पहले ही हादसा पेश आया और ये दक्षिण इलाका जो है वहां दूर दराज इलाका कम्युनिकेशन में भी काफी दिक्कत आ रही है, तो पुलिस से हमारी बात की, उनका कहना था कि हमारी प्रायोरिटी है जो इंजर्ड है उनको पहले रेफर किया जाए, तो इसमें अभी भी समय लगेगा कि आने वाले समय में ही कुछ क्लियर बातें होगी कि ये एक्चुअल में इनके एम्प्लॉइज थे या जो ठेकेदार के साथ लेबर होती है वहां पर कंपनी के पास, तो वो लोग थे। जी को बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो क्रूजर हादसे का शिकार हुआ है, 5 लोगों की अभी मौत की खबर है जो अजय बता रहे थे। ऑफिशियली इस पे कंसर्न जो एजेंसी है या इंतजामिया है किश्तवाड़ की, उसकी जानिब से भी तस्दीक का इंतजार रहेगा। और ये क्रूजर उस इलाके के अंदर जहां पर एक बड़े मंसूबे पर पकुलडुल का के साथ, चूंकि इस मंसूबे के साथ जुड़े हुए ये तमाम लोग थे काम में, अभी तो मसरूफ नहीं थे लेकिन जा रहे थे काम पर और साइट से पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हुए हैं। और इस प्रोजेक्ट के 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जिनमें एक हिस्सा है जहां पर हादसा सुबह सुबह पेश आया है, वो एरिया है डंगडूरू का। और खराब मौसम भी है, वजूहात क्या हादसे की रही, जैसे जैसे डिटेल समझ होंगी तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन सुबह सुबह दर्दनाक हादसे में तकरीबन 5 लोगों की अभी तक मौत की जो खबर आ रही है, थोड़ी देर में ऑफिशियली भी जब इस पर कंफर्मेशन कर दी जाएगी तो आपके सामने रखेंगे। मजीद हलाकतों का खदशा है क्योंकि हादसा इस नवियत का था जहां पर क्रूजर तकरीबन 1 किलोमीटर जो है वो रोल डाउन होते हुए नीचे चला गया है, दैट मींस अगर इसमें और भी लोग सवार थे तो शायद और भी हलाकतों का खदशा है। बहरहाल मजीद तफसीलात का हमें भी इंतजार रहेगा।
चलिए जनाब, अब जरा आते हैं एक और खबर की और बात करते हैं मेहनत की। और जब आप मेहनत करते हैं तो पूरे मुल्क में आपका नाम हो जाता है, और वही नाम कल कमाया है जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की दीगर रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 933 उन अफराद ने जिन्होंने इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए ये साफ कर दिया कि हजारों की तादाद में जब तलबा इम्तिहान दे रहे थे तो उनमें सिर्फ ये 933 लोग थे जो अपना जौहर मनाने में कामयाब हुए हैं। तो बात करते हैं जनाब सर्विस एग्जामिनेशंस की। तो कल रात देर गए पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नतायज का ऐलान कर दिया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो इम्तिहानात लिए थे उनके नतायज का ऐलान कर दिया गया है। और जब नतायज का ऐलान सन 2022 के एग्जामिनेशंस का किया गया तो उनमें 933 बच्चे जो थे, पार्टिसिपेंट जो थे, उन्हें कामयाब करार दिया गया। और उसमें जब जम्मू कश्मीर के जाविये से हम देखते हैं तो 13 का ताल्लुक जम्मू सूबे से और 3 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है जिन्होंने क्वालिफाई किया जी सिविल सर्विस एग्जाम्स। लेकिन जब आप इस क्वालिफिकेशन में भी देखते हैं तो टॉप 10 में भी जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो साफ छलकता हुआ नजर आ रहा है। ख्वातीन की एक अच्छी खासी तादाद है इस बार जिन्होंने अपनी कामयाबी लिखवाई है, और टॉप 5 की जब हम बात करते हैं तो आपको ख्वातीन ही नजर आएंगी वहां पर। तकरीबन 16 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से है जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं। 13 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है, 3 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। और लगातार कल से हमने आपको ये तस्वीरें और खबरें जो है उनके घरों से भी दिखाई है। वसीम अहमद भट्ट जिनका ताल्लुक जूरू अनंतनाग से है, और परसानजीत कौर जो पुंछ से ताल्लुक रखती है जम्मू सूबे से है, फिर नितिन सिंह कठुआ से है, और बिलतरतीब इन्होंने 7वीं 11वीं और 32वीं पोजीशन जो है वो रिकॉर्ड की है। जब से मैंने पहले ही कहा था कि टॉप 20 में जब आप देखेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर का नाम भी साफ नजर आएगा। इसके अलावा जिन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं उनमें नवीद अहमद भट्ट जिनका ताल्लुक सोपोर जिले बारामूला के सोपोर इलाके से है, 84 रैंक इनकी है। अंबिका रैना 164th रैंक इनका है, और नमनीत सिंह आरएसपोरा से इनका ताल्लुक है, 191 रैंक इनका है। मनान भट्ट इनका ताल्लुक सौरा श्रीनगर से है, 231वीं रैंक है इनका। अर्जुन गुप्ता ये जनाब त्रिकुटा नगर जम्मू के रहने वाले हैं, 228वां रैंक है इनका। मानिल बिजरोटा इनका बिश्ना से ताल्लुक है और 314 रैंक इनका है। मोहम्मद इरफान ये बनतलाब जम्मू के रहने वाले हैं, 476 रैंक इनका है। फिर जी बिश्ना से एक और कैंडिडेट का ताल्लुक है जिनकी रैंक 505 है। अंजीत सिंह ये डोडा से ताल्लुक रखते हैं, 565 इनका रैंक है। और इसके साथ अखनूर के एक और नौजवान ने बाजी मारी है और रैंकिंग उनकी 749 आई है। और डॉक्टर इरम चौधरी जिनका ताल्लुक रजौरी से है, पहले भी इन्होंने क्वालिफाई किया था, 852 इनका रैंक है। और आदर्श इसका रैंक जो है वो 888 है। तो ये सारे जो नाम मैंने आपके सामने रखे इनका ताल्लुक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से है। कुल मिलाकर 933 बच्चे ने क्वालिफाई किया जी सिविल सर्विस एग्जाम 2022, और ख्वातीन की एक अच्छी खासी तादाद जो है इन इम्तिहानी नतायज में आप देखेंगे। जबकि आप देखेंगे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पोजिशन रेस्पेक्टिवली जो है वह ख्वातीन के लिए चली गई, और ख्वातीन ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि बाजी वो कहीं पर भी मार सकते हैं। 933 कैंडिडेट्स में 613 मर्द, 320 ख्वातीन है। तो रेशियो आप देख सकते हैं जी किस तरीके का है जिन्होंने क्वालिफाई किया है जी। और टॉप 25 में 14 ख्वातीन है और 11 मर्द है। इसके अलावा 1022 वैकेंसीज जो रिपोर्टेड हुई थी जी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, उनमें 180 आईएएस ऑफिसर, 38 आईएफएस, 200 आईपीएस, 437 ये ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज में, 131 ग्रुप बी में, और कुल मिलाकर 178 कैंडिडेट जो है वो रिजर्व कैटेगरी के हैं यूपीएससी में। तो नतायज आपके सामने हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। जश्न कल से ही हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी है और मुल्क के दीगर रियासतों के अंदर भी है जहां पर
नौजवानों ने इस अहम तरीन इम्तिहान को क्वालिफाई किया है। इधर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले शाह फैसल, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एजाज असद, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मौजूदा आईएएस दीगर अफसरों ने भी अपने ट्विटर हैंडलर्स पर नए इन इम्तिहानात में क्वालिफाई करने वाले बच्चों को खैर खुशामदीद कहा है और उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में मुल्क और रियासत की तरक्की में वो अपना किरदार निभाएंगे। तो ये था जनाब इम्तिहानी नतीज जो काफ़ी सख्त होता है, पूरे मुल्क के हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर आते हैं इम्तिहान में, लेकिन उसमें क्रीम ऑफ द क्रीम निकाली जाती है और यूपीएससी सिविल सर्विस के नतीज आपके सामने हैं। कुल मिलाकर 933 लोग क्वालिफाई हो गए हैं, रात देर गए रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर से 16 लोगों ने क्वालिफाई किया है जिनमें जम्मू से 13 और 3 कश्मीर से। चलिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबरें हैं और आज भी कोशिश हमारी रहेगी कि कामयाब उम्मीदवारों से हम बात करें और आप तक भी उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा, अब तक का सारी जो सक्सेस स्टोरी है उसके ताल्लुक से उनके साथ गुफ्तगू करके उनकी बात आप तक पहुंचाएं। आगे बढ़ते हैं, बात जरा मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख की करते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख के अंदर भी सियासी हलचल काफी तेज है। बयानबाजी, एक दूसरे पर बयानों के जरिए वार करना, ये सिलसिला पिछले एक तवील मुद्दत से हम देख रहे हैं, लेकिन इन सब के दरमियान एक नई लड़ाई का आगाज आने वाले कुछ दिनों के अंदर बल्कि परसों से शुरू होने जा रहा है और लद्दाख में जब सियासी गहमागहमी तेज होने की बात करते हैं तो लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो सबसे ज्यादा सरगर्म है जिनकी बात करना जरूरी है। गुज़श्ता रोज एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जहां पर लद्दाख के वो चार निकाती जो एजेंडा सरकार के नोटिस में बार बार लाया जाता रहा, मीटिंग्स हुई, हाई पावर कमेटियां बनी, एहतजाज हुए, तो वो चार निकाती एजेंडा या जो पॉइंट्स थे फिर सरकार के नोटिस में कल मीटिंग के जरिए लाए गए। हुकूमत पर ये इल्जाम लगाया गया कि उसने इन चार पॉइंट्स को, जो चार अलग अलग मुतालबात लद्दाख के अवाम के, लद्दाख के क्यादत के, लद्दाख के लीडरशिप के थे, उसको अभी तक दरकिनार करते हुए उन बुनियादी मसाइल पर कोई तवज्जो मरकूज ना करते हुए दीगर मामलात की तरफ ज्यादा तवज्जो दी है जो गैर जरूरी है। गुज़श्ता रोज जो मीटिंग हुई, मीटिंग में दो चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो तय पाई हैं। 26 तारीख से मारूफ एजुकेशनिस्ट और लद्दाख के अंदर एक तरह से इन्वायरमेंट की जब बात होती है, माहौलियात की बात होती है, तो इनकलाब लाने वाले सोनम वांगचुक एक और महाज पर लड़ाई का आगाज करने जा रहे हैं, एक और महाज खोलने जा रहे हैं। 26 तारीख से वो 10 दिन की भूख हड़ताल पर जाएंगे लद्दाख की डिमांड्स को लेकर और इस मीटिंग में अब फैसला करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी ने मुश्तरका तौर पर लिया। प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा गया कि 10 रोजा इस हड़ताल में वो उनके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे क्योंकि मामला लद्दाख की आवाम का है, लद्दाख के शहरियों का है। नंबर वन सोनम वांगचुक के साथ जाने का फैसला हुआ। दूसरा, लद्दाख के लिए जो कल ही हमने आपको बताया था प्रोग्राम में, कल सुबह के रुकने पार्लियामेंट का एक बयान आया था छठे शेड्यूल को लेकर, तो उस पर जबरदस्त रिप्लाई आया और कहा गया कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो रुकने पार्लियामेंट है जमयांग सिरिंग नमग्याल, वही सबसे पहले लीडर हैं जिनने 6 शेड्यूल के दर्जे की सबसे पहले बात की थी, नारा दिया था, अवाम को साथ किया था और बैक टू बैक प्रोग्राम्स और सेमिनार्स किए गए थे, लेकिन जब वो इक्तदार में आए और हिज्ब इक्तदार का हिस्सा है तो इस वक्त उन्होंने यहां से यू टर्न लिया है, लिहाजा जो मामला उन्होंने खुद शुरू किए हैं उनको आधा अधूरा रास्ते में नहीं छोड़ने देंगे और 6 शेड्यूल का दर्जा या इसके समेत चार जो अलग अलग मुतालबात हैं इनको अगर मरकजी सरकार पूरा करती है तो ठीक, फिर दूसरा रास्ता एहतजाज का होगा जिसकी शुरुआत आप 26 से भी देखेंगे। तीसरा बड़ा इल्जाम जो लगाया गया हुकूमत पर वो ये कि इलाके को या दो अलग अलग अजला को बॉडीज के नाम पर, काउंसिल्स के नाम पर और मजहब के नाम पर तब्दील किया गया, तकसीम करने का इल्जाम हुकूमत पर लगाया गया। हाई पावर कमेटी बनी लेकिन लद्दाख की इस कयादत के मुताबिक उस हाई पावर कमेटी ने बुनियादी मसाइल को तरजीहात में शामिल न करके दीगर मसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी और वो चार निकाती जो एजेंडा था दिल्ली में पेश किया गया, जम्मू में, लद्दाख में एहतजाज हुआ, उस पर फोकस ही नहीं हुआ। और एक बड़ा मुतालबा जो कल फिर से दोहराया गया कि लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट LRC जिसके पास होगा उसको ही, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, सरकारी महकमे हो, लद्दाख का कोई बड़ा इदारा हो या छोटा इदारा, नौकरी फोर्थ क्लास से अपर लेवल तक की जॉब्स हो, वहां LRC के बगैर कोई भी नौकरी उन्हें आज के वक्त में काबिले कबूल नहीं है, लिहाजा हुकूमत इस तरह का कोई कदम ना उठाए कि अवाम सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो। चलिए, जहां नौकरियों का मामला था वहां पर दिल्ली के साथ भी रابطे बहाल करने की बात कही गई और कहा गया कि दिल्ली के साथ मुज़ाकरात के लिए दोनों कमेटियां तैयार है और मजहब के नाम पर जो फसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेह और करगिल को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उन कुव्वतों को भी
ध्यान में रखा गया और उनसे कैसे निपटा जाए इस हवाले से भी हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। इधर ये साफ कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में हमगीर मुहिम को छेड़ा जाएगा और सिख शेड्यूल जिसके बारे में लगातार ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उससे हिल काउंसिल कमजोर होगा, ये दरअसल एक मनफी प्रोपेगेंडा और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्तन जी आगे फटाफट से क्योंकि ब्रेक पर जाना है, उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि आप पिछले कल से अभी तक क्या कुछ चल रहा है 2000 के नोटों को लेकर। सरकार ने खामोशी से डिमोनेटाइजेशन की 2000 के नोटों की, अगर इस डिमोनेटाइजेशन में कुछ वक्फा है यानी अभी ये पैसा वैलिड है लेकिन आपने इसको बैंक में जमा करना है और बैंक और आरबीआई की तरफ से ये लगातार ये कहा गया था कि सार्फिन के हकूक को पामाल नहीं किया जाएगा और सार्फिन के लिए हर मुमकिन सहूलियत रखी जाएगी। मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो अलग बात है लेकिन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर बैंकों पर उठ रहे हैं सवाल और ये कहा जा रहा है कि जनाब हैसल फ्री एक्सचेंज के लिए जो 2000 के नोटों की पॉलिसी आरबीआई की तरफ से फ्रेम की गई थी वो ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। मरकज और रियासती ताउन से चलने वाले बैंकों के अंदर चंद बैंकों को छोड़कर यानी चंद ब्रांचेस को छोड़कर आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर आधार तो कहीं पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराने की बातें हो रही है और यह साफ हो रहा है कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी कि कोई भी आदमी 20,000 तक के 20,000 रुपये तक जो है वो बैंक के अंदर जमा कर सकता है एक दिन के अंदर और उसके लिए उसे कोई भी लिखा पढ़ी नहीं करनी होगी। चंद बैंक यानी मरकजी बैंक चाहे एसबीआई का मरकजी ब्रांच हो, जेके बैंक का कोई मरकजी ब्रांच हो, पीएनबी का कोई मरकजी ब्रांच जम्मू कश्मीर के अंदर हो, वहां पर इस तरीके का व्यवस्था जरूर अभी इस तरीके का अरेंजमेंट आपको जरूर नजर आएगा लेकिन रेस्ट गांव देहात के अंदर तहसील्स के अंदर वहां पर फॉर्म्स को सबमिट कराया जा रहा है। अनड्यू अननेसेसरी जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ा दी जा रही है और ये साफ किया जा रहा है कि अभी तक उन्हें कोई भी वाजह गाइडलाइन नहीं मिली है। एक बैंक के अंदर जहां पर मीडिया की नजर है वहां पर ऑल इज वेल लेकिन जब आप मीडिया ग्लेयर से थोड़ा बाहर आते हैं डिस्ट्रिक्ट और तहसील्स तक आते हैं तो पता लगता है कि जनाब 2000 का नोट जमा करने में आज के दिन आज पहले दिन ही यानी कल पहला दिन था आज दूसरा दिन है पहले दिन ही लोगों के पसीने निकले हैं और यही अपील उन्होंने अब मरकजी वजीर मालियात से की है कि जनाब इस पूरे मामले को देखा जाए और एक्सट्रीम एक्शन और एक्सट्रीम नोट जो है वो जारी किया जाए, एक ऑर्डर जारी किया जाए ताकि आवाम को किसी तरीके से कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मरकजी हुकूमत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि 20,000 तक की रकम जो है लिमिट एक दिन के अंदर एक आदमी कर सकता है लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है लगातार शिकायतें आ रही है। अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात तो अपनी जगह लेकिन आरबीआई ने भी इस पूरे मामले को दोबारा से मॉनिटर करने की बात कही है और आरबीआई के जिम्मेदारों की तरफ से कहा गया कि तमाम रियासतों के मुंतजमीन जो है वो मुतहरिक होंगे और आवाम को किसी तरीके की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। फिलहाल पहले दिन ही पसीने छूटे जम्मू कश्मीर के अंदर 2000 के नोट को तब्दील कर और पोस्ट ऑफिस पर ये नोट तब्दील नहीं होंगे ये भी क्लियर कर दिया गया। चलिए जनाब छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि दाखिला वजीर साहब आज क्या कुछ करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और फिर G20 का आज आखिरी दिन है लेकिन आखिरी दिन के साथ साथ क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है और माहिरीन मुबस्सिरीन और मंदुबीन क्या कुछ कह रहे हैं इस पर जरा डिटेल के साथ बात करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।